थ्री मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इनके कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी होते हैं उन पे बात करेंगे नंबर वन वट एग्जैक्टली आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉयस इसका आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो बाद में आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी सेकेंड वट इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसि वॉयस एंड थर्ड वेन टू यूज दैम ओके तो ये हम जो है ना आज की वीडियो में हम इन तीन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड इन और नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इन टू वॉइस सो यू कैन से दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड प्लीज डोंट स्किप द वीडियो वॉच टिल द एंड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामर एंड मैनी टाइम्स आस्ड इन दम

स्टूडेंट्स इन दीस थ्री सेंटेंसेज में एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन यूज हुई है इन दीज सेंटेंसेज की जो कंस्ट्रक्शन है वो एक्टिव वॉइस है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट इन तीन सेंटेंसेस में फॉर एग्जाम्पल पहले सेंटेंस में मंकी सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो क्या एक्शन है अडोर कर रहे हैं ठीक है द मंकीज द सब्जेक्ट मंकीज परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब बाय अडोर और इन सेकेंड सेंटेंस में क्या है सेकेंड सेंटेंस कैशियर कैशियर परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब बाय काउंटेड ओके इसी तरह थर्ड सेंटेंस में द डॉग द सब्जेक्ट डॉग परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब बाय चेस्ड सो इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज डूइंग 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 दे टेक एक्शन इन सेंटेंसेस सो यहां पर ये एक्टिव वॉइस होते हैं एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्शन लेता है यानी कि मैंने खाना खाया या खाना मेरे जरिए खाना खाया गया बात एक ही है लेकिन जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होगा वो एक्टिव वॉइस है ओके okay? नाउ अब देखते हैं व्हाट इज पैसिव वॉइस ओके एक्टिव वॉइस इज यूज टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिस और द एक्शन रादर देन द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग इट ओके फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में जो होता है ना सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस की सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि एक्शन जो है सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट एक्शन डायरेक्ट रिसीव कर रहा होता है और पैसे वॉइस में क्या होता है जो कंस्ट्रक्शन है ना सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वर्ड यूज किया था मंकीज अडोर बनानास ओके बनानास आर एडोर्ड बाय मंकीस तो ये पैसी वॉइस हो जाएगा सो so, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आया यहाँ पे हमें ये पता चला जब हम पैसी वॉइस में आते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है कंस्ट्रक्शन जो है सेंटेंस की सब्जेक्ट की प्लेस ऑब्जेक्ट ले लेता है और ऑब्जेक्ट की प्लेस सब्जेक्ट ले लेता है बाय का एडिशन हो जाता है और इसके बाद जो टू बी फॉर्म है इज आर एम वॉज वर्थ वो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली पुट की जाती है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है आपके पैसिव वॉइस में ठीक है उसके बाद प्रेपोजिशन बाय का एडिशन किया जाता है ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर uh, uh, है सेंटेंस स्ट्रक्चर है ओके okay, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है ओके okay, अब इसी तरह मंकीज अडोर्स बनाना बनानास आर अडोर्ड बाय मंकीज इसी तरह सेकंड हमने किया था द कैशियर काउंटेड द मनी द मनी इज काउंटेड बाय द कैशियर जरा थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करते हैं सेंटेंस का द कैशियर सब्जेक्ट था काउंटेड वर्ब था ठीक है द मनी ऑब्जेक्ट था ओके अब द मनी ऑब्जेक्ट हम बिल्कुल फ्रंट पे लेके जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे द मनी आगे वॉज काउंटेड प्रपोजिशन बाय लगाया बाय द कैशियर द मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर यू हो जाएगा इसी तरह थर्ड में हमने क्या द डॉग चेस्ड द स्क्वायरल तो यू हमने क्या द स्क्वायरल वॉज चेस्ड बाय द डॉग ओके द स्क्यरल वॉज चेस्ड बाय द डॉग तो हम यू कर देंगे स्क्वायरल कहते हैं गुलेहरी को वॉज अब यहां पर टू बी की फॉर्म लगती है ठीक है इसके बाद टू बी की फॉर्म लगेगी वाज वर इज आर एम इसको कहते हैं उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं चेज्ड ओके फिर आगे है प्रेपोजिशन बाय द स्क्वायरल और जो स्क्वायरल है वो हमारा बिल्कुल लास्ट में आ, आ जाता है अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर इतनी ये देखें कान को हम इधर से खींचे इधर से खींचे बात एक ही है तो ये क्यों इतना मसला हो गया है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है क्योंकि इनका मीनिंग चेंज नहीं होता सेंटेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो होता हो जाता है जैसे कि आपको पता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है उसके बाद टू बी की फॉर्म आती है टू बी वॉज वर इज आर एम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है उसके बाद प्रापोजिशन बाय और फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट तो इतनी खिचड़ी क्यों पकाई जाती है सो so, तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को यूज कब किया जाता है इस पर जरा बात कर लेते हैं सो स्टूडेंट्स बेसिकली देर आर टू मैन रीजनस टू यूज पैसिव वॉइस इन आवर स्पीच फर्स्ट रीजन क्या है फर्स्ट रीजन गया है वेन वी डोंट नो द सब्जेक्ट एट ऑल इन आवर सेंटेंस देन वी यूज पैसिव वॉइस इन आवर स्पीच ओके फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस यूज करती हूँ ऑल द कुकीज हैव बीन है किसने खाए सारे कुकीज नहीं मालूम तो इसी वजह से पैसिव वॉइस यूज किया ओके okay, अब मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लेती वॉलेट किसने चुराया स्टिफ का बटवा नहीं मालूम हमें यह नहीं मालूम कि सब्जेक्ट कौन था तो यहां पर भी हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे ओके ओके सेकंड कॉज क्या है पैसिव वॉइस को अपनी स्पीच में यूज करने का सेकंड कॉज यह है व्हेन वी वांट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द एक्शन रादर देन द सब्जेक्ट देन वी यूज पैसिव वॉइस ओके फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द रोड इज बींग रिपेयर्ड तो यहां पर मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा पैसिफाई करना चाहती थी थोड़ा सा पैसिव रखना चाहती थी इसी वजह से मैंने पैसिव पैसिवाइज स्पीच यूज़ की ओके okay, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सोलर प्लांट विल बी बिल्ड इन गुजरात तो यहाँ पर भी मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा साइड पे रखना चाहती थी इसी वजह से मैंने पैसि वॉइस यूज किया सो so, कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन ये है कि पैसि वॉइस स्ट्रोंगर मीनिंग कन्वे करता है एक जान डाल देता है सेंटेंस में और सब्जेक्ट को फ्रंट पे रखता है उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है एक्टिव वॉइस में जबकि पैसिव वॉइस जो सब्जेक्ट को थोड़ा सा सेटल कर है, देता है वीकर सेंस देता है सो so, अब आपको पता चल गया होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनको यूज़ कब किया जाता है ओके okay? तो अगली वीडियो में मिलते हैं हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस टिल देन अल्लाह हाफिज़ बाय बाय